नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विषयों के प्रकार। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे क्लासिफिकेशन का और कैटलॉगिंग का जो टॉपिक है, इसमें पहला आता है हमारा विषय यानी विषयों के प्रकार, और दूसरा आता है हमारा कि विषय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, क्योंकि हमारा जो सेकेंड लाइब्रेरी सेकेंड ग्रेड है या हमारा जीसी नेट है या केवीएस है एनबीएस है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, हमारा तीन प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। हमारा जो विषय है हमारा कितने प्रकार से, तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। इन विषयों के आधार पर हम क्या करते हैं, अपना क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हमारा पहले क्या है, बेसिक यानी मौलिक विषय, दूसरा हमारा कंपाउंड यानी हमारा संयुक्त विषय, और एक है हमारा कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित विषय। ये तीन विषयों से मिलकर हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन भी बनता है। इसी तरीके से हम विषयों को तीन भागों में डिवाइड किया है। तीन भागों में डिवाइड करने पे हमारा क्या क्या विषय से क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। पहले आप लोग इसकी थ्योरी देखिएगा अच्छे से, उसके बाद हम जो भी जहां जहां से विषय के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं हर टॉपिक से, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विषयों के प्रकार। पहला हमारा टॉपिक क्या है, विषयों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट विषयों के प्रकार कौन कौन से विषय है। पहला देखिए, हमारा पहला आता है हमारा बेसिक, दूसरा विषय आता है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट, तीसरा आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब देखिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मौलिक विषय। इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त विषय। इसको क्या बोलेंगे हम, मिश्रित विषय। अब देखिए, जो हमारे विषय है उसको तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला कौन सा हमारा, बेसिक विषय यानी मौलिक, दूसरा आता हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट, और तीसरा आता हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब इनसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं देखिए। सबसे पहले हमारा क्या है, बेसिक सब्जेक्ट की पहचान क्या है, कि ऐसा विषय जिस पर किसी अन्य विषय का कोई भी प्रभाव ना हो, जो स्वतंत्र हो पूर्ण रूप से। ठीक है, ऐसा विषय, इसकी क्या परिभाषा, कि ऐसा विषय, क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा विषय जिस पर अन्य विषय का प्रभाव ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक विषय। ऐसा विषय जिस पर अन्य विषय की या अन्य विषय का प्रभाव ना हो, ऐसा विषय जिस पर अन्य विषय का कोई भी प्रभाव ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक या मौलिक विषय। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल के थ्रू आ जाए, ऐसे हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, ये हमारे क्या है, मौलिक विषय। ये हमारे मौलिक विषय हैं, इनकी अगर पहचान आ जाए, अगर एग्जांपल के थ्रू पे आ सकता है कि बॉटनी या हमारा आ जाए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, ये कौन से सब्जेक्ट हैं, ये किसमें आते हैं, तो हमारे बेसिक सब्जेक्ट में, जिस पर अन्य विषय का कोई भी प्रभाव ना हो, जो स्वतंत्र रूप से यूज किया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मौलिक विषय। ठीक है, अब उसके बाद अब आता है हमारा कंपाउंड विषय। कंपाउंड विषय ऐसा विषय जिसमें मौलिक विषय के, ठीक है, जिसमें मौलिक विषय दो या दो से अधिक मौलिक विषयों को,
किसमें यूज किया जाए, कॉमन आइसोलेट में, ठीक है, जिसमें मोस्टली विषयों के साथ कॉमन आइसोलेट का प्रभाव देखने को मिले उसको हम बोलते हैं उसको कंपाउंड सब्जेक्ट यानी संयुक्त विषय। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड विषय। या एक इसमें एक और आता है कि प्रतिकरण, ठीक है, जो हमारा प्रतिकरण है वो किसमें आ जाएगा, हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट में, ठीक है, यानी पटलीकरण जिसमें लेमिनेशन बोलते हैं। ठीक, देखिए जो हमारा कंपाउंड विषय है इसकी परिभाषा क्या है कि जो हमारा कंपाउंड विषय है इसमें जो मौलिक विषय है, इसमें मौलिक विषय के दो या दो से अधिक जो विषय है, विषयों के साथ एकल का प्रभाव देखने को मिले उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम कंपाउंड सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्रतिकरण भी, ठीक है, इसे लेमिनेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेमिनेशन, ठीक है। ऐसा विषय जिसमें विषय जो हमारा विषय है मौलिक विषय है उनके साथ एकल का भी प्रभाव देखने को मिले उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट ऐसे आप याद कर लेना कि जो मौलिक विषय हमारे दो या दो से अधिक जो मौलिक विषय है उनका प्रभाव देखने के लिए किसमें मिले, एकल के साथ मिले उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। और कंपाउंड सब्जेक्ट में जैसे हमारा प्रतिकरण आ जाता है लेमिनेशन जैसे परत दर परत, ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे, परत दर परत। इसको हम जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हमारा जाए एग्रीकल्चर ऑफ राइस या वीट आ जाए, ठीक है, कुछ भी सब्जी आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी हमारे परत यानी मौलिक विषय है लेकिन मौलिक विषय के साथ एकल दो या दो से अधिक एकलों का भी यूज किया जा सकता है या एकल का भी प्रभाव देखने को मिले ऐसा विषय कौन है हमारा, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड विषय यानी कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर ऑफ राइस या हमारा एग्रीकल्चर ऑफ वेट, एग्रीकल्चर ऑफ जो हमारे अन्य प्रकार की जो सब्जियां है वो आ सकती है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके के जो हमारे ऐसे सब्जेक्ट जो परत बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, इसमें कैसे आए थे कि एग्रीकल्चर ऑफ राइस किसका किसमें आता है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या जाएगा, कंपाउंड, ठीक है। इसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था, इस तरीके से इसमें आ सकते हैं क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन, तो इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो हमारे मौलिक विषय होते हैं मौलिक विषयों के साथ में जो हमारे एकल है उनका प्रभाव देखने को मिलता है इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। अब तीसरा आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित विषय। मिश्रित विषय किसे कहते हैं, ऐसा विषय जिसमें दो या दो से अधिक विषयों को जो हमारे मौलिक विषय है हमारे मौलिक विषय जो है उनको दो या दो से अधिक विषयों को मिलाकर जब एक नया विषय बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित विषय या कॉम्प्लेक्स विषय, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक विषयों को मिलाकर जब एक नया विषय बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ठीक है। उदाहरण के थ्रू जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में देखिए क्या आता है, इसमें आ जाए कि दो या दो से अधिक मौलिक विषयों को मिलाकर जब नया विषय बनता है उसको हम क्या बोलेंगे,
कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ठीक है, नए जो हमारा दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट मिलाकर नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू इसमें क्या आ सकता है हमारा, जैसे हमारा आ जाए बायोलॉजी, ठीक है, या हमारा आ जाए ऐसे याद रख लीजिए बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री है जिनमें दो विषय देखो मिलाकर बने, पहला कौन सा है हमारा बायोलॉजी, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी केमिस्ट्री मतलब बायोकेमिस्ट्री को मिला के क्या बना हमारा बायोलॉजी केमिस्ट्री, यानी दो विषय, एक तो हमारा बायोलॉजी और दूसरा हमारा केमिस्ट्री, इन दोनों को मिलाकर हमारा विषय कौन सा बना है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे हमारा आ जाए बायोफिजिक्स। अब देखिए जो बायोफिजिक्स है हमारा, ये किन दो सब्जेक्ट से मिलकर, एक हमारा बायोलॉजी और दूसरा हमारा फिजिक्स, किन दो सब्जेक्ट से मिलकर बना है, एक तो हमारा बायोलॉजी और दूसरा हमारा फिजिक्स, ठीक है, एक तो हमारा बायोलॉजी और दूसरा फिजिक्स। इस तरीके से हमारे क्या है, ये सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था, इनमें से क्वेश्चन काफी आते हैं। पहला हमारा हमने आप लोगों को क्या बताया कि बेसिक विषय, बेसिक विषय मतलब जिसमें हमारे किसी अन्य विषय का कोई प्रभाव ना देखने को मिले, उसको बेसिक, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं बेसिक। दूसरा हमने आपको बताया कि कंपाउंड सब्जेक्ट ऐसा विषय जिसे मौलिक विषयों के साथ साथ हमारे जो एकल है उनका भी प्रभाव देखने को मिले, उसको हम क्या बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे हमारा एग्रीकल्चर ऑफ राइस, एग्रीकल्चर ऑफ वीट, इस तरीके से जो भी हमारे आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे कंपाउंड या सेल्फ विषय। वही आता है हमारा जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मतलब मिश्रित विषय। मिश्रित विषय का मतलब ये होता है कि जो हमारे दो मौलिक विषय हैं, दो या दो से अधिक मौलिक विषयों को मिलाकर जब नए शब्द की उत्पत्ति हो, यानी हमारे नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति हो, जब दो या दो से अधिक विषयों को मिलाकर नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति हो, उसको हम क्या बोलेंगे मिश्रित विषय, या हम उसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमने बायोकेमिस्ट्री आप लोगों को बताया, तो बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या है, एक बायोलॉजी और एक केमिस्ट्री, तो मिलाकर हमारा क्या हो गया बायोकेमिस्ट्री। इसी तरीके से हमारा बायोफिजिक्स, तो हमारा बायोफिजिक्स मतलब बायोलॉजी और फिजिक्स मिलाकर बायोफिजिक्स। इस तरीके से हमारे कंप्लीट हुए क्या हुए हमारे विषयों के प्रकार। अब आते हैं हमारा जो हमारे विषय होते हैं इनको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा जो हमारा जैसे द्विविभाजन, दस विभाजन, बहुविभाजन, ठीक है, डायकोटोमी, डेकाकोटोमी, पॉलीकोटोमी, ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक तैयार करते हैं। अब आते हैं विषय निर्माण की विधियां। विषय निर्माण की जो विधियां होती हैं, जिसे हमारा आ जाए डायकोटोमी, डेकाकोटोमी, पॉलीकोटोमी, यानी द्विविभाजन, दस विभाजन और बहुविभाजन, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारा द्विविभाजन किसमें आता है, दस विभाजन किसमें आता है, बहुविभाजन किसमें आता है। तो जो हमारा द्विविभाजन है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे दो विषय होते हैं, दो विषयों यानी जो विषय हमारा दो भागों में डिवाइड किया, उसके बाद उसको फिर दो भागों में डिवाइड किया, यानी उसको दो भाग, एक विषय हुआ उसको दो भागों में डिवाइड, फिर उसको दो भागों में डिवाइड, इस तरीके से जो हमारा आता है उसको हम क्या बोलेंगे द्विविभाजन, या इसको डायकोटोमी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेकाकोटोमी यानी दस विभाजन। दस विभाजन जो हमारा है, दस विभाजन मतलब दस भागों में डिवाइड, यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उनको दस भागों में डिवाइड किया गया, फिर उनको दस भागों में, जैसे हमारा डीडीसी, यूडीसी। इसी तरीके से हमारा बहुविभाजन आता है, जिसको हमारे बहुविभाजन में क्या होता है कि उसको कई भागों में यानी बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे पॉलीकोटोमी, यानी बहु भागों में डिवाइड। इसको देने वाले कौन थे, हमारे सीए कटर थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा विषय निर्माण की विधियां। देखिए अब आता है हमारा विषय निर्माण की विधियां। विषय निर्माण की विधियों से काफी क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, जिसमें हमारा आता है कि द्विविभाजन, दस विभाजन और बहुविभाजन।
द्विविभाजन को डायकोटोमी, दस विभाजन को डिकोटोमी और बहुविभाजन को पॉलीकोटोमी। जो हमारा द्विविभाजन है इसको बाइनरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बाइनरी किस पद्धति में आया है, तो हमारा द्विविभाजन है, ठीक है। मतलब दो भागों में, एक सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया, तो इसको फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसको बोलेंगे पॉलीकोटोमी, सॉरी उसको बोलेंगे द्विविभाजन या डायकोटोमी। और एक होता है हमारा दस विभाजन, जैसे हमारा डेकाकोटोमी, इसको क्या करते हैं, जैसे हमारा यूडीसी या डीडीसी, डीडीसी को 10 भागों में डिवाइड किया गया, उसके बाद उसको फिर से 10 भागों में डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से हमारा क्या है, पॉलीकोटोमी। पॉलीकोटोमी जिसमें हमारे विषय बहुत प्रकार से जो भी होते हैं उनको अनेक भागों में डिवाइड किया गया हो, जैसे हमारा सीसी, एलसीसी, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो विषय है उनको डिवाइड किया गया है। इससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि पॉलीकोटोमी किसमें आता है, इसमें कौन कौन सी हमारी क्लासिफिकेशन पद्धतियां आती हैं, या हमारा डायकोटोमी आ जाए या डेकाकोटोमी आ जाए, कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पद्धतियां हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, विषय निर्माण की विधियां। इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पूरा प्रयास किया है कि क्वेश्चन जहां जहां से बने वो आप लोगों को कंप्लीट हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले हमारा क्या है, विषय निर्माण की विधियां। विषय निर्माण की विधियां, विषय निर्माण की विधियां, ठीक है। जो विषय निर्माण की विधियां हैं इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड। इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड। देखिए जो हमारे विषय निर्माण की विधियां हैं उनको, इनको भी तीन भागों में ही डिवाइड किया गया। पहला हमारा भाग क्या है, पहला आता है हमारा, देखिए जो हमारे विषय निर्माण की विधियां हैं इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग हमारा क्या है, पहला भाग है हमारा डायकोटोमी। पहला हमारा क्या है, डायकोटोमी। डायकोटोमी क्या बोलेंगे, द्विविभाजन। उसी तरीके से हमारा दूसरा आएगा, इसको बोलेंगे डेकाकोटोमी। इसको बोलेंगे दस विभाजन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दस विभाजन। इसी के तरीके से हमारा आता है तीसरा नंबर पॉलीकोटोमी। यानी बहुविभाजन, ठीक है। तीन भागों में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा हमारा, एक तो डायकोटोमी, एक डिकाकोटोमी, एक पॉलीकोटोमी। जो हमारा डायकोटोमी, इसको द्विविभाजन, दस विभाजन और बहुविभाजन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, कि जो हमारा द्विविभाजन है इसमें क्या बनता है, कि ऐसे विषय जिनको दो भागों में पुनः फिर से हमारे दो भागों में विभाजित किया गया हो, विभाजित किया जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायकोटोमी। एक और क्वेश्चन आता है कि जो हमारा द्विविभाजन है इसको हम क्या बोलेंगे, एक बाइनरी भी बोलते हैं, बाइनरी, ठीक है। जैसे हमारा जो कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम लगा रहे हैं, इसी तरीके से द्विविभाजन, ये भी हमारा क्या है, बाइनरी, ठीक है। अब देखिए जो हमारा द्विविभाजन पद्धति है इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे विषय जो दो भागों में डिवाइड किए पुनः फिर से दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, डायकोटोमी। अब आता है हमारा डेकाकोटोमी। जो हमारा डेकाकोटोमी है इसको कितने भागों में, तो दस विभागों में। इसको देने वाले कौन थे, हमारे मेलविल डेवी,
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें विषयों को, जो विषय होते हैं इसमें विषयों को 10 भागों में और पुनः पुनः 10 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, डेकाकोटोमी, ठीक है। जैसे हमारा आ जाए डीडीसी, यूडीसी यानी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जैसे हमारा डीडीसी या यूडीसी, इनको भी 10 भागों में डिवाइड किया गया। अगर क्वेश्चन में आ सकता है यूडीसी कौन सी पद्धति है, तो हमारी डेकाकोटोमी यानी 10 विभाजन। अगर डीडीसी आ जाए तो वो हमारी कौन सी है, 10 यानी डेकाकोटोमी या 10 विभाजन पद्धति, ठीक है। अगला आता है हमारा बहुविभाजन यानी पॉलीकोटोमी। इसमें क्या आता है, ऐसे विषय जिसमें क्या उनको अनेक भागों में डिवाइड किया गया हो, ऐसा विषय जिसको अनेक भागों में डिवाइड किया गया हो, ऐसा विषय जिसकी संरचना अनेक भागों में विभाजित की जाती हो, या विषय, ठीक है। ऐसी संरचना या ऐसा विषय जिसको अनेक भागों में डिवाइड किया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीकोटोमी। एक क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीकोटोमी को देने वाले कौन थे, हमारे सीए जो कटर थे हमारे, उसको किसने दिया, पॉलीकोटोमी को देने वाले कौन थे, सीए कटर। इसमें जैसे हमारा आ जाए बहुविभाजन में सीसी, ठीक है, या आरसी यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एससी आ जाए, एससी, ठीक है। इस तरीके का अगर आ जाए हमारा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीकोटोमी। यानी ऐसे विषय 3 भागों में, हमारे विषय निर्माण की जो विधियां हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा डाइकोटोमी, डेकाकोटोमी, पॉलीकोटोमी। डाइकोटोमी द्विविभाजन, डेकाकोटोमी 10 विभाजन, और पॉलीकोटोमी बहुविभाजन। जो हमारा डाइकोटोमी है इसको हम क्या बोलेंगे, द्विभाजन, या इसको बाइनरी भी बोलते हैं, बाइनरी। और इसको ऐसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद पुनः उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसी तरीके से हमारा डेकाकोटोमी, इसको 10 भागों में डिवाइड किया जाता है, पुनः इसको फिर से 10 भागों में डिवाइड किया, जैसे हमारा डीडीसी, यूडीसी। इसी तरीके से हमारा जाता है पॉलीकोटोमी को देने वाले कौन थे, सी कटर थे। इसको भी कितने भागों में, ऐसा विषय जिसको संरचना अनेक विषयों, जो भी अनेक भागों में डिवाइड किया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीकोटोमी, ठीक है। इसको जैसे हमारा सीसी एससी में देखा जा सकता है। उसके बाद देखिए, जैसे हमारा द्विविभाजन आ जाए, ऐसे आप लोग याद कर लें, जैसे याद हो जाए आप लोगों को, जैसे बायोलॉजी है, ठीक है। बायोलॉजी को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया, बायोलॉजी को फिर से, तो जैसे हमारा आ जाए बायोलॉजी को बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी एंड जूलॉजी। फिर बॉटनी और जूलॉजी को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाए, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेकाकोटोमी, ठीक है। जिससे जो हमारा बॉटनी आ जाएगा, उसमें आ जाएगा हमारा फ्लावरिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद उसमें आ जाएगा नॉन फ्लावरिंग पॉइंट, इसमें आ जाएगा हमारा जेनिस में, इसमें नॉन जेनिस में आ जाएगा। मतलब ऐसा विषय जिसको 2 भागों में डिवाइड किया, फिर उन विषयों को भी 2 भागों में डिवाइड किया, फिर उन विषयों को भी 2 भागों में डिवाइड किया। इस तरीके से अगर आ जाए तो हमारा किसमें आ जाएगा, द्विविभाजन में, ठीक है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी प्रयास किया गया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे के टॉपिक बना सकूं। धन्यवाद।